पंडित चिरंजी लाल शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 14 में करनाल से चार बार सांसद रहे पंडित चिरंजी लाल शर्मा की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य व्यक्तियों व कांग्रेसी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर पंडित चिरंजी लाल शर्मा की प्रतिमा पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पूर्व विधानसभा स्पीकर एवं पंडित चिरंजी लाल शर्मा के सुपुत्र कुलदीप शर्मा ने पंडित चिरंजी लाल शर्मा की यादों को ताजा करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा जात पात से ऊपर उठकर राजनीति की। उनके राजनीतिक कार्य में कोई भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगने दिया। उन्होंने पानीपत रिफाइनरी के लिए बहुत ही बड़ा संघर्ष किया। इस दौरान कुलदीप शर्मा ने कांग्रेसियों से आह्वान किया कि एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने में सहयोग करें। इस मौके पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व चेयरमैन सरदार त्रिलोचन सिंह, कांग्रेसी नेता अशोक खुराना, चौधरी रामकिशन, पूर्व विधायक राकेश कंबोज के अलावा बड़ी संख्या में शहर के विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं के लोग मौजूद रहे। राजनीतिक जीवन बड़ा साफ सुथरा रहा। कोई भी आदमी आरोप नहीं लगा सकता कि कोई उन्होंने भाई भतीजावाद की राजनीति की हो, कोई पैसे की राजनीति की हो। बड़ा ईमानदारी से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और उसी पदेश भाई कुलदीप शर्मा जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। उसका तो आपको पता ही है, गांव में उस वक्त स्कूल भी नहीं हुआ करते थे। जितने स्कूल लगभग बड़े हैं गांव में वह पंडित चिरंजी लाल जी की देन है। और चौपाले ज्यादा जितनी भी बनी है वो भी पंडित चिरंजी लाल जी की देन ही है। पूरे जिला करनाल का जो विकास पंडित चिरंजी लाल जी ने कराया वो शायद किसी ने नहीं कराया। तो हमें बड़ा खुशी और हमें बड़ा गर्व होता है कि हमारे कुछ काम उन्होंने करनाल के लिए किए, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज हम पंडित चिरंजी लाल शर्मा मेरे पिता थे, लेकिन वो कांग्रेस जनों से बाप बेटे के रिश्ते की तरह जुड़े हुए। आज उनकी आठवीं पुण्यतिथि है और हर साल की तरह यहाँ पर कांग्रेस जन एकत्रित होकर पंडित चिरंजी लाल शर्मा जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर उनको याद करते हैं। पंडित जी का व्यक्तित्व बड़ा व्यक्तित्व था। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो चार बार बने सांसद, कितनी बार विधायक, MLA, मंत्री बने। ये महत्वपूर्ण था कि महत्वपूर्ण है कि उन्होंने किस प्रकार की राजनीति और किस प्रकार का राजनीतिक चरित्र अपना रखा, वो आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए एक इशारा हो सकता है, उनके लिए निशान हो सकता है। तो पंडित जी का बड़ा भारी योगदान करनाल के विकास में रहा है। करनाल की रिफाइनरी, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का जो प्रोजेक्ट है और फोर लेनिंग ऑफ द GT रोड, रेलवे लाइन का डबल करना, इलेक्ट्रिफिकेशन और बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन पंडित जी के रहे हैं। और वो यहाँ हर आदमी से जुड़े हुए थे, हर आदमी का उनके प्रति मान सम्मान रहता था। तो आज हमने ये संकल्प लिया है कांग्रेस के लोगों ने, पंडित जी को सही श्रद्धांजलि ये होगी कि कांग्रेस के लोग इकट्ठे हों, अपने मतभेदों को भूलें, अपनी आपसी कोई खींचतान है उसको छोड़ें, कांग्रेस को मजबूत करें और हरियाणा के अंदर और देश के अंदर कांग्रेस की पुनर्स्थापना के लिए हम काम करें। तो ये आपने देखा कि किस तरह से JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एंड JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।